उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर पर आज आने वाले फैसले से पहले राज्य की जनता से अपील की है। उन्होंने कहा है कि फैसले को हार या जीत के साथ जोड़कर ना देखा जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण को बनाए रखें, अफवाहों पर कतई ध्यान ना दें। साथ ही सीएम योगी ने आज के अपने सारे कार्यक्रम रद्द भी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रशासन सभी की सुरक्षा व प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। कोई भी व्यक्ति यदि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4000 जवानों को किया है तैनात। अयोध्या विवाद मामले में आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। हालांकि अयोध्या मामले के फैसले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। अयोध्या में धारा 144 लागू है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में अर्धसैनिक बलों के 4000 जवानों को तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर रहेगी नजर। अधिकारी ने बताया कि राज्यों को सभी संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि देश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो। साथ ही प्रदेश में कई जिलों में ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर खासी नजर रखी जाए। पीएम मोदी ने भी शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर देश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मोदी ने ट्वीट कर कहा, अयोध्या पर आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है। पिछले कुछ महीनों से सुप्रीम कोर्ट में निरंतर इस विषय पर सुनवाई हो रही थी। पूरा देश उत्सुकता से देख रहा था। इस दौरान समाज के सभी वर्गों की तरफ से सद्भावना का वातावरण बनाए रखने के लिए किए गए प्रयास बहुत सराहनीय हैं।